हर जगह की एक लोकल इंग्रेडिएंट होती है जैसे, और वो लोकल इंग्रेडिएंट एक स्टेपल डाइट बन के रह जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो बिना रोटी के खाना नहीं होगा, साउथ इंडिया में जाओगे तो चावल ही चावल दिखाई देगा, वैसे मोरक्को की स्टेपल डाइट बन चुकी है कुसकुस। कुसकुस इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, इट इज़ बिकम द स्टेपल इंग्रेडिएंट ऑफ मोरक्को, और कई मेडिटेरेनियन देशों में इसका यूज़ होते रहता है। और आज हम बनाएंगे कुसकुस की बड़ी सिंपल सी रेसिपी जिसका नाम है कुसकुस सैलड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सैलड में डालेंगे थोड़ा सा रेड पेपर, इसको बारीक काटना है हमें। वैसे आज हम यूज करने वाले हैं तीन टाइप के पेपर्स, थोड़ा सा गार्लिक, उसमें डालेंगे मिंट और थोड़े हल्के मशरूम्स डाल देंगे, और आप जो चाहे आपके आपके पसंद के जो वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि यही जाना चाहिए, आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो सब्जियां, टमाटर डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हैं। थोड़े मशरूम्स डाल देंगे इसमें, इसको बारीक काटना है हमें। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, पास्ता से कहीं अधिकतर विटामिन्स इसमें हैं। ये थोड़ा मिंट चॉप कर रहा हूं मैं, एकदम ज्यादा बारीक फाइन नहीं करना है मिंट को, थोड़ा सा खुला ही छोड़ना है। तो अब हम ये सैलेड खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा स्टॉक गर्म करते हैं। कुसकुस को जैसे पकाया जाता है बहुत ही आसान है, एक बार आप जान लीजिए इसको। ये वेजिटेबल स्टॉक है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये कुसकुस जो है मैं ये मिक्सिंग बोल में डाल दे रहा हूं। इस स्टॉक को बहुत तेजी से गर्म करना है हमको, क्योंकि ये स्टॉक जो स्टॉक की गर्मी है वो ही ये कुसकुस को पकाने वाली है। जैसा आप देखते जाएंगे ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका रहेगा। आपने देखा होगा मैंने कच्ची सब्जियां इसमें डाल दी हैं, इसमें कोई भी बटर फैट कुछ भी नहीं है। तो अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, इस स्टॉक में हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा इसको अच्छी तरह से बॉईल होना चाहिए ये सॉल्ट। अपना जो स्टॉक है ये उबल चुका है बहुत अच्छी तरह से, अब इसको हम गैस बंद करके इस स्टॉक को इस बोल में डाल देते हैं। थोड़ा सा स्टॉक, जितना आपका जो कुसकुस और वेजिटेबल का जो मिक्सचर है वो कवर होने तक आपको डालना है, और इसको एक क्लिंग फिल्म से बंद कर देना है। क्लिंग फिल्म एक बहुत उपयोगी चीज़ है किचन्स में, तो इसको हमने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए क्लिंग रैप से बंद करके। जो प्रोसेस हो रहा है अंदर वो आप देखेंगे, जो पानी से स्टीम निकलता है वो स्टीम से वो पक जाएगा। तो ये तैयार हो चुकी है अपनी, दो तीन मिनट ढकना था इसको, ढक के रखना था। अब ये देखिए कैसे मस्त दिख रही है, कुसकुस सैलेड रेडी है अपनी। इसके प्लेटिंग के लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक साधन का उपयोग करेंगे, तो इस रिंग मोल्ड का उपयोग करेंगे हम। बड़ा ही सिंपल और आसान सा स्टाइल है। इसको हम डाल देंगे इसमें, और देखिए ये हो गया हमारा कुसकुस सैलेड तैयार। इसको एक हल्का पुदीने का गार्निश करेंगे। तो आपके किचन में जो सब्जियां हैं उनको लेकर एक इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो आपके किचन में। इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को बनाने के लिए देख लीजिए इसका क्विक रिकैप।
खसखस सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 लाल शिमला मिर्च, 1/4 हरी शिमला मिर्च और 1 से 2 मशरूम्स को बारीक काट लें और एक बोल में डाल लें। अब इसमें 2 से 3 कटे पुदीने के पत्ते और 50 ग्राम खसखस डालकर अच्छे से मिला लें। एक पैन में 200 ml वेज स्टॉक और उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से उबाल लें और इसे खसखस मिक्सचर में डाल लें। इसे क्लिंग रैप से ढककर 2 मिनट साइड में रख लें ताकि ये स्टीम से पक जाए। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट के बीच रिंग मोल्ड रखकर इसमें खसखस फिल करें। रिंग को निकालकर खसखस सैलेड को पुदीने से गार्निश करके सर्व करें।